अच्छा आदमी था यार, यूं कहा गया था रोस्ट को पॉजिटिवली लो। हाँ सपोर्टिंगली लो, हमारे बिना गाली के रोस्ट से ऑफेंड हो जाया करा था, ब्लॉक कर दिया था हमें इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब कैरीना माँ बहन करी तो उसे स्वाइप अप दे दिया, यूं कह तू ही मेरा भाई है, इससे तो हम भी गाली दे देते। आज इतनी जुदाई तो ना देखनी पड़ती हमें सर से। भाई इस बंदे को मैंने पिछली वीडियो में इतनी इज्जत के साथ रोस्ट किया था, गाली वाली कुछ नहीं बकी थी, उसके बावजूद भी इसने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। लेकिन कैरीना इसकी इतनी गंदी मारी, वो भी बिना तेल लगा के, उसको तब भी स्वाइप अप दे दिया। और ये क्या मतलब है बीयू नहीं खर्च बेनी वाला आशीष चंचलानी को टैग करने का? अच्छा उनका भला बनना चाह रहा होगा। हाँ भाई पड़ गई ठंड। मैं एल्विश से बात करूं तो मेरे को समझ में आता है मेरी और एल्विश की बातें और वो कम्युनिटी की बातें, ये लक्ष्य का क्या नाम क्यों बीच बीच में पढ़ के। लक्ष्य भी तुझे जानता नहीं था, पर लोडू सबसे पहले लक्ष्य को ही तूने अपने आईजीटीवी में टैग किया था। सुक्के नशे करने छोड़ दे भाई। मैंने और एल्विश ने ना तो भाई तेरा रोस्ट किया था, ना ही पूरी वीडियो में रोस्ट वीडियो में तेरा नाम लिया था। हमें तो पता भी नहीं था भाई तेरे जैसा कीट पतंगा भी एग्जिस्ट करता है धरती पर। हम तो अपना टिकटॉक रोस्ट वीडियो बना के डाल के मस्त पबजी खेल लेते, लेकिन तूने लिया उड़ता तीर अपनी बुंड में। चिलगोजी गांड मई की गर्मी में भी लेदर जैकेट पहन के मजदूरों का तौलिया लपेट के आईजीटीवी वीडियो बना रही, उसके बाद हमें टैग कर रही है। अब पूछ रहा कि लक्ष्य बीच में कहां से आया। अबे सबसे पहले मैं ही आया और तूने बुलाया, फिर बोलता है कि भैया झुका के क्यों मार ली। पिछली बार ना तेरा रोस्ट हुआ था ना जिक्र, पता ही नहीं तू आया क्या था लेने। पिछली बार ना तेरा रोस्ट हुआ था ना जिक्र, पता ही नहीं तू आया क्या था लेने। लास्ट टाइम तो मैं बस आग लगा के गया था, आज आया हूँ तुझे बटिस्टा बॉम्ब देने। तो भैया अब जब ये टिकटॉक कंट्रोवर्सी ठंडी पड़ जाएगी तो वापस तुम अब लूडो खेलने जाओगे, लेकिन इस बार तुम्हें खाली लूडो नहीं खेलना, लूडो मनी खेलनी है, जहाँ पे तुम रियल मनी के साथ लूडो खेल सकते हो। तुम्हारी तरह बहुत से लोग वहाँ पे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं जिनके साथ तुम लूडो खेल के पैसे कमा सकते हो, और उन पैसे को डायरेक्ट अपने पेटीएम में या थ्रू यूपीआई बैंक अकाउंट में वॉलेट में ले सकते हो। और इसमें एक और भी गेम है, हाँ वही जो तुम्हारी देसी लूडो के पीछे बन के आता था, सांप सीढ़ी स्नेक एंड, बस वही वही वही। उसमें भी आप रियल प्लेयर्स के साथ खेल के रियल मनी अर्न कर सकते हैं। तो भैया अब सिर्फ खाली लूडो नहीं, लूडो मनी खेलनी है। द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड एंड प्ले। अब आमिर की भैया इतनी सुझा दी कि उस सूजी को भी बांटने के लिए और एक भाई साहब आए फटी में टांग देने के लिए। आवाज दरवाजा, अच्छा आवेश दरवाज, आवेश दरबार। वीडियो 5 दिन से ट्रेंडिंग पर थी, लेकिन तुम जनता का प्यार देख पा रहे हो डिसलाइक सेक्शन में। तो भैया जिस तरह का तुम्हारा एंगेजमेंट और फेस वैल्यू थी, जैसा ये चिंदी चोर बोल रहा था, तो फिर हमें लाइक्स और तुम्हें डिसलाइक्स क्यों? कंट्रोवर्सी तो सबके लिए बरोबर है ना भाई, तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही क्या? रोस्ट कल्चर को समझो, रोस्टिंग उनकी होती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ बेटी चौध, यहाँ रोस्टिंग नहीं चल रही, आओ मिलो सिलो सालो खेल लें, आई स्पाई धप्पा खेल लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिसके लिए, अबे हमेशा मिठाई नहीं खाना होता भाई, कभी कभी तीखे गोलगप्पे भी खाते हैं ना, पिछवाड़े से मिर्ची के धुएं निकलते रहते लेकिन तब भी खाते हैं ना, उसमें भी मजा है। आप लोगों के वीडियोस से जितने ऑडियंस के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं ना, आपको कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारा मुजरा देख के कितने लोंडे लोंडी बनने को मोटिवेट हो रहे हैं टिकटॉक पे, कोई आइडिया है आपको? आप टिकटॉक छोड़ दीजिए, हम रोस्टिंग छोड़ देंगे, डील डन। नो हेट वीडियोस यू नो, नो नो माइंड। क्या क्या बोल रहे चाचा, टेप अटक गई, टेप अटक गई, रिवाइंड में जाओ, मुंह से जरा ये थूक दो सुपारी उपारी, तब बात करो। ठीक है, दिमाग लगाकर एक दूसरे के साथ कोलैब कर भारी भारी कंटेंट बना रहे हैं। कोलैब टिकटॉकर से। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। इस भोसड़ी वाले से कोलैब करने से बढ़िया ना राम रहीम सिंह की बेल करवा के लव चार्जर 2 बना लूं उसके साथ। दी एंड करके बात का हमने भेज दिया था आमिर तेल लगा के, दी एंड करके बात का हमने भेज दिया था आमिर तेल लगा के। हमें लगा था अब तो तुम्हें अकल आ ही गई होगी, पर अब तू आ गया अपनी चमका के। इन दी एंड हम सब क्रिएटर्स हैं, चाहे हम जो भी प्लेटफॉर्म पे हो, हम लोगों को एंटरटेन करना है। हमें नहीं करना कुछ तुम्हारे साथ मिलके, क्योंकि हमारे बस के लटके झटके मारना नहीं है, और ना ही हमें तुम्हारी जैसी फेस वैल्यू करनी कि जहाँ भी जाएं लोग बस यही बोले। कंटेंट बना के ऐसा एंटरटेन करते लोगों को कि भूल गया स्क्रिप्ट, भूल गया, भूला ना तू, सच में भूला ना, तो सिर्फ लड़ने आता है, चाहे वो ऐप हो वो रिलीजन हो। ये इस मैटर में शुरू से ही भैया रिलीजन रिलीजन बड़ा आ रहा है, तो इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि रमजान ही एक अच्छा टाइम है तुम्हारी बजाऊंगा। अभी कुछ मत बोलो, रमजान का महीना है, अल्लाह इन लोगों को अकल देवे। ठीक है रमजान का महीना, तुम गालियां दे रहे हो। गांड फटने पे सोशल मीडिया की लड़ाई में टोपी लगा के आए तुम,
रमजान रमजान का रट लगा रखा तुमने और रिलीजन को बीच में लाए हम। वाह चूतिए वाह, आ गया ना तू औकात पे, वही शील्ड खोल ली ना तुमने अपनी धर्म वाली। दिखाता हूँ बहन जो तुम कितने सेकुलर हो, ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तबरेज अंसारी के मरने पे आतंकवादी वाली टिकटॉक बनाई तेरे यारों ने, तू और तेरे यार, लवड़े का भी नहीं पता था तब भी NTCA NTNRC रैली में उतरे तुम। उसके बाद दिखाता हूँ टिकटॉक पे क्या चलता है, कितने सेकुलर हो। एक आधी वीडियो नहीं है भाई, हर महीने ट्रेंड चलता है ऐसा, सब लोग वीडियोस बनाते हैं कि कम्युनल हेटरेड पैदा हो, और दीदी भी इन्वॉल्व है उसमें देखो। तभी तो आमिर भाई का सपोर्ट मिल रहा था दीदी को। कोई भी मेरा भाई बहन मेरा सब्सक्राइबर ये मत समझना कि इन वीडियोस में हिंदुओं को नीचा या इस्लाम का प्रमोशन हो रहा है, इन लोगों से हिंदू मुस्लिम कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि भैया कम्युनल हेट्रेड पैदा करे रखो, लोगों में डिस्टर्बेंस बनाए रखो, जो इन वीडियोस को लेके लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करते रहे। और जब इन लोगों को पकड़ लेता है कोई, इन लोगों के खिलाफ कोई आ जाता है, जैसे इस बार हमने इनकी मारी, तो इन्होंने एंड में क्या करा, धर्म वाली शील्ड खोली, रमजान टोपी, धर्म के बारे में बोल दिया। ये जो तुम्हें फंड आता है ना, यू तुम्हें जहर घोलने का, सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करने का, सब पता है मुझे, बहुत सड़ेगा, मुझे सिखाएगा सेकुलरिज्म, लव, पीस। और जितने तेरे हिंदू फॉलोअर्स नहीं होंगे उससे ज्यादा मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, और वो लोग भाई छाती ठोक के टोपी लगाते हैं तेरी तरह, नहीं कि रमजान और टोपी को बस शील्ड की तरह यूज कर लो गांड फटने पे। और तूने अपने यहाँ ईद पे इतना नहीं खाया होगा जितने मैंने मुस्लिमों के यहाँ खाया है, और तब भी वो बिना सेकुलर का लव पीस करंडी रोना करे बिना भी तुझसे ज्यादा सेकुलर है, जबकि मैं उनके साथ इससे भी ज्यादा ऑफेंसिव मजाक कर देता हूँ। मेरे साथ ये कम्युनल एंगल वाली भसोड़ी करने का ड्रामा मत करियो वीरे। ड्रग एडिक्ट एंटीनेशनल बंदे के साथ रह के सोशल मीडिया पे मोची पंचर वालों को चूतिया बना सकता है, लव पीस सेकुलरिज्म के नाम पे मेरा नहीं। वैसे तो लोंडियों के बीच में भैया फैशन की टांग तोड़ते हैं, लेकिन गांड फटने पे टोपी लगा के आ गए, रमजान रमजान करने लगे, अरे और कुछ नहीं तो भैया कम्युनिटी सपोर्ट ले लेता हूँ। हाँ जनता तो चूतिया है, हम भी चूतिया, मैं तो पता ही नहीं तू क्या गेम खेलना चाह रहा है। और रही बात रमजान वाली लाइन की, मैंने कहा था रमजान का पावन अवसर, पावन का मतलब समझता गांडू, कभी स्कूल गया होगा तो समझ आएगा ना। और अगर भगवान अल्लाह फेस्टिवल का नाम लेने पे तेरी इतनी गांड किलस जाती है तो भैया काहे का सोशल इन्फ्लुएंसर है तू। मैं पहला बंदा नहीं हूँ जिसने ऐसा किया है, बहुत से आर्टिस्ट ने पहले भी अपने कंटेंट में पंच लाइंस में ये चीजें इस्तेमाल की हैं, देख ले। हर शॉट परिवार खत्म लाया मैं संकट, मारा गया नंदलाला तेरा नटखट, हम गोपियां भागेंगी छोड़ के अपन घट, फैन मेरे गाने का घूमते पंखे, सभी वाला बंदर हनुमान बनके मैं मंके। Shiva has got a nice job title, not destroyer, terminator, right? Every evening, Parvati will ask, oh, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. तो फिर तो भाई पूरे देश को यही रंडी रोना करना चाहिए, काम धंधा छोड़ के अपना, कभी इस पे केस, कभी उस पे केस, कभी इसको बोलो, कभी उसको बोलो, धर्म ले आया, ये ले आया, वो ले आया। अबे दिल पे मत ले, कॉन्टेक्ट समझ मैंने क्या कहा था। और रही बात भाई पुलिस केस की, कोर्ट कचहरी की धमकी की, तू तेरे चेले जो भी कर रहे हैं बहन चोद, कल नहीं आज कर लो, वहीं मिलूंगा, नाम पूरा लक्ष्य चौधरी है, बाप का दिया हुआ, फालतू के टाइटल नहीं ले रखे तुम्हारी तरह, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, कोर्ट लगती है इलाहाबाद में, कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। अगर CM को चिट्ठी लिखनी हो, योगी आदित्यनाथ जी, अगर तुम पढ़ लेते ना चूतियों, तुम्हें पता होता कि एक आर्टिस्ट को फ्रीडम होती है किसी भी चीज़ पर जोक बनाने की, लिखने की और बोलने की, वरना अभी तक कुणाल कामरा तिहाड़ जेल में होता। एक एजेंडा प्रमोट करके खुद को दे सेकुलर का टैग, आजा तुझे कम्युनिस्ट बना दूं। एक एजेंडा प्रमोट करके खुद को दे सेकुलर का टैग, आजा तुझे कम्युनिस्ट बना दूं। पुलिस केस क्या भाई, तू कोर्ट में चला जा, कहे तो वकील की फीस भी मैं ही भिजवा दूं। क्या तू पहचानता है वो अदनान कौन है? अदनान पागल सा एक बंदा है। तो पागल सा तो भाई उसका इलाज करवा दे, सोशल मीडिया पे गीत क्यों गा रहा? हमारा एक दोस्त पागल था, हमने तो आगरा भिजवा दिया था, तू अपने का सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहा, और मैंने सुना इस पागल सी गैंड का मुंबई में बहुत बजा था। अपने शहर में इतना तकड़ा फैन बेस है तो भाई बाहर तो क्या ही हाल होगा तुम्हारा यार। मतलब अदनान, हैव यू सीन सब थंबनेल्स में सिर्फ टिकटॉकर्स के फोटो डाले? जब तेरा रोस्ट कर रहे तो थंबनेल क्या मियां खलीफा का लगाएंगे? कॉमन सेंस इज नॉट दैट सो कॉमन ब्रो। मैंने बोला कि एंगेजमेंट की बात है तो फैक्ट है कि हमारे एंगेजमेंट आज के टाइम पे हाई है। लास्ट वीडियो में मैंने तेरी एंगेजमेंट के चूतड़ चौड़े किए थे भाई, लेकिन आज फिर से सुन ले, फिर से तेरा भ्रम निकाल दूं। तू इस लाइव वीडियो में जब आया था, तुझे वॉचिंग 1000 के भी मुश्किल से मुश्किल आ रही थी, स्क्रीनशॉट ये रहा। नीचे तुझे कमेंट सेक्शन में लगातार गालियां पड़ रही थी। उसके बाद तेरा सुलसुली दोस्त भी तेरी लाइव वॉचिंग में ऐड हुआ, दोनों के मिला के भी 2500-2600 वॉचिंग आ रही थी तुम्हारी एंगेजमेंट, दोनों को गालियां खूब पड़ रही थी। उसके बाद भाई परसों मैं लाइव आया, 3000+ वॉचिंग मेरी अकेले की एंगेजमेंट, कमेंट सेक्शन में मुझे एक भी गाली नहीं पड़ रही थी, एंगेजमेंट
कहने को तुम दोनों के टोटल मिला के फॉलोअर मेरे से 10 गुना ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, वो अलग बात है कि वो फेक है, लेकिन स्टिल मेरी लाइव वॉचिंग अकेले की तुम दोनों से ज्यादा थी। अब तुम कहोगे भैया कंट्रोवर्सी में व्यूज और वॉचिंग छाप रहे हैं, तो भैया कंट्रोवर्सी तो हमारे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है, तो तुम्हें गाली क्यों और हमको ताली क्यों? बड़े प्यारे हैं ये चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, करियर तेरी होशियारी खा जाएगी, आजा पंचर की दुकान पे कराऊं तेरा अरेंजमेंट। करियर तेरी होशियारी खा जाएगी, आजा पंचर की दुकान पे कराऊं तेरा अरेंजमेंट। कभी हैशटैग स्कर्ट लिखता है तो कभी हैशटैग गे, ऐसे बढ़ाएगा चचा अपनी एंगेजमेंट। भाई तो तुम्हें पता ही है मॉस्को से पढ़ा हुआ है ये साला, इनकी इंग्लिश, इनका लाइफस्टाइल साला अलग ही है। वो अलग बात है कि डोंबिवली से पनवेल जाने को मॉस्को जाना नहीं बोलते, और बालों में रंग भरने से लाइफस्टाइल नहीं सुधर जाता। अब मैं इनको मोची मोची क्यों बोलता हूँ उसका एक और एग्जांपल है आपके सामने। बेटे ये मुंह से डिल्डो निकालो, देखो तुम्हें नीचे लेने की आदत है लेकिन मुंह में तो मत लो ना फिर उसको। और पहले ये क्या है, तुमने सबसे पहले स्नैपचैट का फिल्टर लगाया, उसके बाद इंस्टा का फिल्टर लगाया, तब तुम एक 15 सेकंड की स्टोरी डाल लो, मतलब 15 सेकंड की स्टोरी के लिए इतने रंग में बदलाव कर रहे हो गिरगिट। ओरिजिनल रंग नहीं पसंद तुम्हें? प्रा हमारी बिटिया ने अपनी जान बचाने को एक यूट्यूबर का सहारा लिया, उसके साथ कोलैब किया, वही हमारे ब्लोजो पवन सिंह। लेकिन बिटिया को पता नहीं था पवन सिंह की पहले ही क्या इमेज है इंडस्ट्री में, जो खुद नाली में पड़ा है वो तुझे क्या नाले से बाहर निकालेगा। तो पवन सिंह जी का ये दावा था अपने चैनल पे कि उनके चैनल पे उनकी और आमिर सिद्दीकी की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई, और आमिर भाई पहले ऐसे दुनिया के इंसान होंगे जिन्होंने अपनी लीक कॉल रिकॉर्डिंग को इंस्टाग्राम से स्वाइप अप दिया कि जाओ मेरी लीक कॉल रिकॉर्डिंग देखो। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड थी या नहीं। तुझे मारी पटकी तो बीच में ले आया रिलीजियस सेंटीमेंट, तुझे मारी पटकी तो बीच में ले आया रिलीजियस सेंटीमेंट। तुम्हारे तो फैन पेज भी करते हैं अश्लील प्रमोशन, और यहाँ बुड्ढे से लेके बच्चे तक देखते हैं मेरा कंटेंट। अबे रुके क्या हो बे, बजाओ। तो कैसे हैं आप लोग, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। मम्मी ये रसोई का कपड़ा बार बार नीचे गिर रहा है। रचित बेटा इतना क्रिएटिव बना के भी तुम टिकटॉकर्स की ले रहे हो, इनकी औकात नहीं है आईफोन एनिमेशन का पार्ट बनने की। तो भैया मेरी तरफ से जो पूरा सीन क्रिएट हुआ था, मेरी तरफ से ये एंड है, फाइनल, फुल एंड फाइनल रिप्लाई है। इसके बाद कोई कुछ भी भोंकता रहे, कल आए, रमजान के बाद आए, दिवाली के बाद आए, अगले साल आए, मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। अब टिकटॉक रोस्ट अगले साल आएगा, तब की तब देखेंगे, फनी रोस्ट करेंगे, सीरियस रोस्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इस बार तो ये रो गए भाई तुरंत ही, ये रमजान रमजान, धर्म धर्म, कभी टोपी लगा के कोई आ रहा, कभी ये कह रहा कि हिंदुओं को बोल दिया, मुस्लिमों को बोल दिया, धर्म पे ले आए भाई, इनका यही एक एजेंडा है कम्युनल डिस्टर्बेंस करने का। तो अपने को इसमें पढ़ना नहीं है भाई, अपने को हिंदुओं को भी एंटरटेन करना है, मुस्लिमों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, अपने को तो सबको लेके चलना। हमें कोई ऊपर से फंड नहीं आ रहा कम्युनल डिस्टर्बेंस करने का कहीं पे क्रिएट, अपने साथ सब जुड़ते जा रहे हैं, अपन सबको लेके चलेंगे। इनको पता नहीं आर्टिस्ट किस किस चीज़ पर जोक बना सकता है किस पर नहीं, तो बहन चो गांड मराने दो जिसको मरानी है, ठीक है। अपनी तरफ से सीन एंड है, और अब कुछ और क्रिएट करेंगे। अच्छा बढ़िया, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए